फ्रेंड्स इस शॉर्ट वीडियो में हम बात कर रहे हैं जी एस टी इम्पैक्ट ऑन यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूबर्स कह सकते हैं या फिर जितने भी लोग जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहे हैं और सोशल मीडिया जो एंटिटीज़ हैं लाइक यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम उनको जो भी पेमेंट कर रही हैं उन पर जी एस टी की इम्प्लीकेशन क्या होंगी इस वीडियो को हम बहुत शॉर्ट रखेंगे काफ़ी शॉर्ट रखेंगे ताकि जो यूज़र्स हैं वो इसको क्लियरली समझ सकें तो फ्रेंड्स जो भी यूट्यूब फेसबुक से आपको इनकम आती है आउट ऑफ इंडिया से वो जीएसटी के अंदर टेक्निकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी जीरो रेटेड सप्लाई है अगर कोई भी सर्विस जीरो रेटेड सप्लाईज है तो उस पर जीएसटी की इंप्लीकेशन यानी जीएसटी में वो टैक्सेबल तो है लेकिन वो जीरो रेटेड है अगर हम कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा और एक बेनिफिट मिलेगा जीएसटी रिफंड का तो आपको करना क्या है कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है और रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको एल के ऊपर अपना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज करना है यानी जो भी पेमेंट आपको यूट्यूब फेसबुक से आती है उस वैल्यू का आपको इन्वाइस करना है उस को करने के बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करवानी है अपने कंसल्टेंट से और उसके बाद जो भी आपका एक्यूमुलेटेड यानी जो भी आपने चीजें परचेज करी हैं कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर उनके ऊपर जो भी आईटीसी आपने पे किया है उसका रिफंड फाइल करके आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं तो इन समरी अगर हम कहें तो टैक्सेबिलिटी है फाइलिंग एल के ऊपर करनी है टैक्स कोई देना नहीं है उल्टा गवर्नमेंट से आपको बेनिफिट मिलेगा फॉरन कन्वर्टेबल एक्सचेंज अगर आप लाते हैं तो आपको जीएसटी रिफंड का बेनिफिट मिलेगा थैंक यू वेरी मच